बहुत दिन से दृष्टि धामी के फैंस कह रहे थे कि वी वांट अ सेगमेंट विद दृष्टि, वी वांट अ सेगमेंट विद दृष्टि. वेल हियर इट कम्स. दृष्टि जल्द ही नजर आएंगी एक वेब सीरीज में Z5 पर जिसका नाम है दुरंगा. वेल, इससे पहले कि आप सीरीज का आनंद लें, इस सेगमेंट का आनंद लीजिए क्योंकि हम खेल रहे हैं उनके साथ वो खेल जिसका नाम है नेवर हैव आई एवर. यही सोचते होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है. इट वाज गुलशन ग्रोवर. हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया. हाय, मैं हूँ दृष्टि धामी. और हम करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन SBS ओरिजिनल्स के साथ. देखिए, एक थोड़ी नहीं बल्कि बहुत शरारती है तो दूसरा जितने खतरनाक किरदार करता है वो उतना ही शांत है. यानी कि ये दोनों ही कहने को कुछ और लेकिन असलियत कुछ और असलियत भी ऐसी जिससे हर किसी को प्यार हो जाए. SBS ओरिजिनल्स में आज दृष्टि धामी और गुलशन देवैया के साथ होगी SBS ओरिजिनल्स इन्वेस्टिगेशन. और इस इन्वेस्टिगेशन के होने का सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो है दुरंगा. दुरंगा नाम है Z5 के नए कंटेंट का जिसमें आपको दृष्टि और गुलशन दोनों ही नजर आने वाले हैं. 19 अगस्त को रिलीज होने वाले इस कंटेंट में दृष्टि एक कॉप बनी है और एंटरटेनमेंट की दुनिया के एक कॉप की इन्वेस्टिगेशन उसी के सामने कर सकता है सिर्फ SBS ओरिजिनल्स. तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं SBS ओरिजिनल्स इन्वेस्टिगेशन. हाय, मैं हूँ गुलशन देवैया. हाय, मैं हूँ दृष्टि धामी. और हम करने जा रहे हैं एक इन्वेस्टिगेशन SBS ओरिजिनल्स के साथ. देखिए, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स तो यही सोचते होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता. I don't know, सिग्नल तोड़ने की वजह से ज्यादा और कुछ नहीं. That you're looking very pretty today. मानिए कि आप एक स्क्रीनिंग से निकले हैं और बाहर वो प्रोजेक्ट से संबंधित सब लोग खड़े हैं, डायरेक्टर या कुछ है, तो आप अभी और वो शायद आपको अच्छे लगते हैं, आप वो उनको चोट भी नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वो वही चेहरा होता है ना कि मुझे सोचना है. मैं सोचने लगा हूँ. आपकी ये फिल्म ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. आई एम स्टिल थिंकिंग. मुझे प्रोसेस करना पड़ेगा इसको ठीक से. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ऐसा कुछ बकवास करके निकल. That I have a house with a swimming pool because I want one. बहुत साल पहले लोगों ने I think कल्कि और अनुराग के मैरिज में तनाव था, ये लोगों ने फिगर आउट कर लिया था. तो वो टाइम पे क्योंकि कल्कि मेरी दोस्त है तो हम बहुत सारी जगह इवेंट्स पे ऐसे छुट्टियों पे सब साथ में जाते थे. तो एक कुछ टाइम तक एक अफवाह थी कि मे बी वी आर डेटिंग इच अदर. तो फिर मैं हंस के कल्कि को बोलता इट्स गुड दैट दे थिंक इट्स मी बिकॉज ये तो पॉसिबल ही नहीं है. अच्छा हुआ किसी और फलाने के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छा है कि तुम्हारे दोस्त के साथ करें. हाँ, एक्चुअली ऑनेस्ट रूमर जो मेरे लिए एवरी ईयर आता है दैट आई एम गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग बिग बॉस. आई रियली एंजॉयड कॉफी विद करण. लाइक हाय करण टी. सेम पिंच ऑन द हेयर. Okay. It was you, na, as Rangoli on Twitter. Huh? Tell me the truth. It was you. उनके साथ सेल्फी क्लिक करूंगी. Wow, man. मैंने सोचा नहीं है. एक्चुअली क्या है, बोलती बंद हो जाएगी. इतने बड़े स्टार जिनका काम आप 1989 से मैं देख रहा हूँ उनको पर्दे पे, टीवी पे, ना जाने कहाँ कहाँ, सपनों में वगैरह सबके आते हैं, सबके सपनों में आते हैं भाई. तो बोलती बंद हो जाएगी. मेरा तो पसीना छूटने लगा. क्या बोलेंगे? अरे एक बार ना मैं बस पे वो फुटबोर्डिंग करता जा रहा था और फिर मुझे लगा बस रुकने से पहले कूद जाता है ना, कुछ लोग ऐसे करते थे. और मैंने भी कहा आज मैं करूँगा और मैंने किया भी था 2-3 बार. और मैं ऐसे कूदा लेकिन वहाँ पे बारिश का मौसम था तो एक गड्ढा था उसमें पानी था तो फ्लॉप हो गया. आई थिंक किसी के सामने ऐसे सब वो फुटबॉल से या ट्रेन से कूदना नहीं चाहिए, बेइज्जती होती है उससे. आई थिंक किसी के सामने कूल बनने के लिए तो नहीं या कोई क्रश वश के सामने तो नहीं, बट यू नो चर्चगेट स्टेशन पे जब आप लास्ट स्टेशन पे आते हो तो लेफ्ट राइट दोनों साइड प्लेटफॉर्म रहता है.
सो हम सब फ्रेंड्स जब कॉलेज से वापस आ रहे थे, तो आई थिंक इफ़ यू नो इट्स अ पीक आवर, सो सब धक्का मार के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, एंड वी फ्रेंड्स वर लाइक आज तो हम जगह पकड़ के रहेंगे. हम इतनी ज़ोर से अंदर गए कि हम लिटरली दूसरी साइड से बाहर आ गए थे, एंड बाय द टाइम वी टर्न द होल ट्रेन वॉज फिल्ड, सो वी हैड टू वेट फॉर अनदर ट्रेन. इट एक्चुअली हैपेंड. My name would be Drashti. I'm very happy with my name. Subega. And क्यों? कोई reason नहीं है, सिर्फ मुझे पसंद है वो नाम Subega. गुलशन भी पसंद है, लेकिन माँ बाप ने इसमें मेरी कोई choice नहीं थी ना, मैं बहुत छोटा था, मैं 6 महीने का था, तो नामकरण कर दिया उन्होंने गुलशन. By the way, I'm named after गुलशन बाबरा, जिनका बर्थ एनिवर्सरी था. I thought it was गुलशन. No, no, no. गुलशन गोवर 1980s में आया था, मैं 1978 में पैदा हुआ. No. गुलशन और दृष्टि ने हमें ये भी बताया कि इस कंटेंट में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से ये दोनों इस कंटेंट से जुड़े. एक एडेप्टेशन है कोरियन शो का फ्लावर ऑफ ईविल, उसका हम लोग एक हिंदी में एडेप्टेशन कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि आप इसमें एक मुख्य किरदार निभाएं, तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी, मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट. मुझे किरदार जो मुझे ऑफर किया जा रहा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, मुझे समझ में नहीं आया था कि इसको कैसे करूँगा, लेकिन उससे उसमें ज़्यादा रुचि पैदा हुई और जो कहानी वो लोग कहना चाह रहे थे वो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और मनोरंजक लगी मुझे. मैंने इसका ओरिजिनल देखा नहीं है और आज तक भी नहीं देखा है. मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि जो भी मेरा इंटरप्रिटेशन रहेगा वो खुद का इंटरप्रिटेशन रहेगा, मैं जितने भी इन्फ्लुएंसेस के तरीके हो सकते हैं उस चीज़ को देख के उसको मैं होने नहीं दूंगा. तो इस कहानी से और इस प्रोजेक्ट के साथ मैं ऐसे जुड़ा. काफ़ी चैलेंजिंग था, बिकॉज पहली बार जब मुझे गोल्डी जी का फ़ोन आया था, आई वॉज लाइक वाओ इट्स एक्साइटिंग, मैं कुछ नया प्ले करूँगी. एंड देन ऑफकोर्स आई गॉट टू नो प्रदीप दादा इज़ ऑन सेट, गुलशन इज़ ऑन सेट, तो फिर थोड़ा नर्वसनेस होने लगा दैट सच नाइस फाइन एक्टर्स एंड सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर आई एम गोना बी वर्किंग विद. सो थोड़ा नर्वसनेस था, एंड आई थिंक हमने रीडिंग की, वी डिड लॉट ऑफ रिहर्सल्स, एंड आई थिंक बाई द एंड ऑफ इट जब हम सेट पे आए, हमने शूट करना शुरू किया, ऑफकोर्स थोड़ी नर्वसनेस थी, थोड़ी गलतियाँ भी हुई, एंड फिर धीरे धीरे वी गॉट इन टू द मूड. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.